अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ फरी और आप देख रहे हैं फरीज किचन। दोस्तों, आज हम अपने किचन में मीठे पराठे बनाएंगे जो कि चाय के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं। हमारे बच्चे बड़े सभी इसे बहुत शौक से खाते हैं। तो चलिए मीठे पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो चलिए मीठा पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं, चीनी का पराठा। उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये हैं। 3 कप मैंने आटा लिया है, इस तरह के कप मैंने ले लिए हैं, एक एक पाव के ले लीजिएगा, 3 पाव ये आटा है। और एज़ रिक्वायर्ड हम चीनी लेंगे जितनी हमें ज़रूरत होगी, घी का इस्तेमाल करेंगे और ये थोड़ा सा हम नमक लेंगे, 1/4 स्पून से भी कम है, और पानी का इस्तेमाल करेंगे जितनी हमें ज़रूरत होगी। तो चलिए दोस्तों आटा गूंदना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम एक बर्तन लेंगे खुले मुँह का, जो भी जिसमें भी आपको आटा गूंदना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें हम आटा ऐड करेंगे, सेंटर में से इसके होल कर लेंगे। यहाँ मैं डाल दूंगी सॉल्ट, हमें चीनी वाला पराठा बनाना है इसलिए हमने नमक का कम से कम इस्तेमाल करना है। अब हम इसे गूंदना स्टार्ट करते हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए दोस्तों, ये इस तरह का हो गया है। थोड़ा थोड़ा पानी लगा के आप इसे गूंदते जाएं, सॉफ्ट सा इसका डो गूंदना है हमने आटे का, इस तरीके से आप मुक्की लगाते जाएं। थोड़ा सा पानी लेके अच्छी तरह इसकी सारी बॉल की दीवारें साफ़ करके आटे को हमने 10 से 15 मिनट के लिए स्टे कराना है। इसे हम कवर करके रख देंगे। इसके बाद हम चीनी वाले पराठे बनाएंगे, मीठे पराठे। ये देखिए ये आटा गूंद चुका है। अब लास्ट स्टेज पे मैं यहाँ थोड़ा सा घी लगा दूंगी या ऑयल, जो भी, इससे आटा हमारा बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। ऊपर से इसके जो एक पापड़ी सी लेयर आ जाती है वो नहीं जमेगी। इस तरह करके मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख दूँगी। तो चलिए दोस्तों, ये मैंने एक प्लेट में खुश्की ले ली है, आटे की खुश्की, इसे साइड में रख लेते हैं। हम अपना आटा चेक करते हैं, ये देखिए कितना सॉफ्ट, कितना अच्छा हो चुका है ये। तो चलिए हम पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। जिस तवे पर आपको पकाना हो फ्लेम ऑन करके उसे उस पर रख दें। ये तमाम काम हम मीडियम टू लो फ्लेम पर करेंगे। जब अगर हमें कुक करने की मतलब ज़रूरत पड़ेगी तो हम मीडियम कर देंगे, अगर हमारा पराठा हमें ऐसा फील हो रहा है कि जल ना जाए तो हम लो फ्लेम कर देंगे। अच्छा दोस्तों, ये देखिए आटे की छोटी छोटी सी बॉल बना लेंगे हम। जितने पराठे बनाने हैं आप इसे आराम से बना सकते हैं, क्योंकि ये 3 पाव आटा गूंदा था हमने, काफ़ी सारा हो जाता है ये। मुझे यहाँ 3 पराठे बनाने हैं तो मैं इसकी 6 बॉल्स बनाऊँगी। ये देखिए 6 बॉल्स मैंने बना ली हैं, अब हम इन्हें साइड में रख लेते हैं। एंड देन अब हम एक एक बॉल उठाकर इसे इस तरीके से कर लेंगे। इस तरीके से बना के मैं तमाम बॉल्स रख लूँगी। ये देखिए मैंने बना के रख ली। यहाँ आटे का डस्ट करेंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे रखा हमने इस तरीके से। अब हमें पहले घी का यूज़ करना है। ये देखिए हमने इस तरीके से रख कर इन तमाम बॉल्स को छोटी छोटी रोटियों की शेप दे देनी है, बिल्कुल पतली नहीं करनी है, क्योंकि बीच में सेंटर में इसमें हमें शुगर ऐड करनी है, फिर शुगर की वजह से रोटी हमारी फट जाएगी। दरमियानी रखनी है। इस तरीके से बनाकर मैं इन सबको रख लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने 4 छोटी छोटी रोटियाँ बना ली हैं। अब हम एक चकोर पराठा भी बना लेते हैं, क्योंकि दोस्तों ये हमारे हाथ में है, हम कौन सी शेप बनाना पसंद करते हैं। मीठा पराठा गोल भी बन जाता है, चकोर भी बन जाता है, तो हम गोल भी बनाएंगे और चकोर भी बनाएंगे। तो हम यहाँ इस स्टेज पर यहाँ घी लगाएंगे
ये हम घी लगाकर अच्छे तरीके से इसके ऊपर हम चीनी डालेंगे। ये देखिए हमने यहाँ घी लगा लिया है। अब हम इस पर इसके ऊपर जितनी चीनी आप जितना मीठा खाना पसंद करते हैं आप उतनी चीनी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने चीनी डालकर अब यहाँ से मैं इसे कवर कर दूँगी। ये देखिए इस तरीके से हम फोल्ड कर देंगे। ये देखिए एक पराठे की चंगेरी बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल फरीज किचन को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इससे हमारी हर न्यू अपलोड सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ये बिल्कुल फ्री है। अब इसी तरह हम गोल वाला बना लेते हैं। ये मैंने यहाँ छोटी सी रोटी बना ली थी, यहाँ पर मैं घी ऐड करूँगी, घी लगाऊँगी थोड़ा सा इस तरीके से करके। अब यहाँ पर शुगर ऐड करेंगे। अच्छा इन दोनों शेप्स में आपको जो पसंद आया वो बना सकते हैं, जो आपको इजी लगे। मुझे तो दोनों इजी लगती हैं तो इसलिए मैं दोनों बना के दिखा रही हूँ आपको। ये दूसरी रोटी उठाएंगे हम और ये इसके ऊपर कवर कर देंगे, इस तरीके से चिपका देंगे इसको। जिस तरह हम आलू का पराठा बनाते हैं, गोभी का पराठा बनाते हैं, किसी भी चीज़ का, ये उस तरीके से बना रही हूँ मैं। ये देखिए दोनों साइड से हमें इसको कवर कर देना है, बिल्कुल चिपका देना है। ये देखिए दोस्तों ये तीनों पेड़े तैयार हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम ये गोल वाले पराठे बनाएंगे। यहाँ मैं आटा डस्ट करूँगी, इसके ऊपर ये मैंने जो पराठा मैंने तैयार करके रखा था इसे मैं इस तरीके से आटे में कवर कर लूँगी। खुश्की कम से कम लगाइएगा, मैं भी कम से कम कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए चीनी कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, घी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए तवे की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हम तवे पर डाल देंगे। अब फ्लेम हम बढ़ा देंगे ताकि नीचे से ही कुक होना शुरू हो जाएगा, ऊपर बबल्स आना शुरू हो जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों ये अभी कुक होना स्टार्ट हो रहा है, हल्के हल्के से बबल्स आना शुरू हो गए हैं। ये देखिए दोस्तों तो अब इस स्टेज पे मैं इसे टर्न कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए हल्का हल्का कलर आ चुका है। अब मैं फ्लेम लो कर दूंगी क्योंकि इसके अंदर चीनी डली हुई है, ये जल भी सकता है आपका पराठा। अब यहाँ पर इस स्टेज पर मैं यहाँ पर घी लगा दूंगी, इस साइड पर जहाँ से हमारा पराठा हाफ कुक हो चुका है। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं बट घी का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। तो चलिए अब मैं इसे यहाँ से भी टर्न कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए अब यहाँ पे भी मैं घी लगा दूँगी। तो बस अब हमें इसको कुक करना है। जितना क्रिस्पी करना चाहें ये आपके हाथ में है, घी डालकर आप हल्का हल्का उसके ऊपर इसको लगाते रहिए पराठे को, तो ये क्रिस्पी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये देखिए दोस्तों ये फ्रंट साइड से सेक चुका है, अब हम बैक साइड जो इसकी थी उसे सेक लेते हैं। तो ये देखिए मेरा पराठा रेडी हो चुका है, अब मैं इसे निकाल लूँगी। इसी तरह दूसरा पराठा बना लेंगे गोल वाला। तो चलिए अब हम चकोर पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। आप इसी प्रोसीजर को फॉलो करके जितने पराठे बनाना चाहें बना सकते हैं। थोड़ा सा आटा डस्ट कर लेंगे यहाँ पर। अब मुझे यहाँ आटे की और ज़रूरत पड़ रही है, मैं आटा और डस्ट करूँगी, अदरवाइज़ ये चिपक जाएगा, ये हमारे जो किचन काउंटर है इस पर ये चिपक जाएगा। तो इस तरीके से हमें थोड़ा इसकी एहतियात करनी है। इसमें चीनी डली हुई है, चीनी पानी छोड़ती है, तो फौरन जैसे ही हम इसके पेड़े बनाएं फौरन हमें इन्हें तैयार कर लेना है। ये देखिए
चकोर पराठा भी बहुत इजी है, आपको अगर चकोर आसान लगता है तो आप ये बना लीजिए। ये देखिए, तो ये रेडी हो चुका है। अब मैं इसे तवे पर डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम मीडियम कर दी है मैंने। कुक होने से पहले टर्न मत कीजिएगा, अदरवाइज ये टूट जाएगा। ये देखिए दोस्तों, बबल्स आना शुरू हो गए हैं। अब मैं इसे टर्न कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, अब यहाँ मैं यहाँ पर घी लगा दूंगी। अब मैं इसे टर्न करके इस साइड को सेक लूँगी। पहले फ्लेम मीडियम ही है, बस यहाँ आपने एहतियात करनी है कि पराठा जले नहीं, तो आप इसे हिलाते रहिएगा बीच बीच में। फ्लेम हम थोड़ी कम कर देते हैं मीडियम से। तो ये देखिए, टर्न कर लेते हैं। यहाँ मैंने घी नहीं लगाया था सेकंड साइड, बिकॉज़ हमारे तवे पर घी है, तो अब हमें इसी में इसको कुक करना है। तो ये देखिए दोस्तों, पराठा रेडी हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये आप देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं, तीनों पराठे रेडी हो चुके हैं, पक्कर तैयार हो चुके हैं। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है इसकी। तो आप लोग इसे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने बड़ों को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को ज़रूर खिलाइएगा बनाकर। तो उनकी ढेर सारी दुआएँ लीजिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज़ ये फ्री है। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।